लाखों डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई 2019 से फिर से तय होगी पेंशन, 3 महीने में मिलेगा बकाया वन रैंक वन पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। जी हाँ दोस्तों, एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी लाखों डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों आर्म्ड फोर्सेस में वन रैंक वन पेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने के तरीके को बरकरार रखा है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें वन रैंक वन पेंशन के अपनाए गए सिद्धांत में कोई संवैधानिक खामी नज़र नहीं आती है। कोर्ट ने कहा कि यह कोई विधायी जनादेश नहीं है, समान रैंक वाले पेंशन भोगियों को समान पेंशन दी जानी चाहिए। सरकार ने एक नीतिगत फैसला लिया है जो उसकी शक्तियों के दायरे में है। कोर्ट ने आगे कहा कि 1 जुलाई 2019 से पेंशन फिर से तय की जाएगी और ये 5 साल के बाद में तय की जाती रहेगी। इसके अलावा आगे ये भी कहा गया है कि 3 महीने के अंदर पेंशन भोगियों को नई पेंशन का बकाया जो है उसका भुगतान भी किया जाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने ये फैसला सुनाया। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी और खुशखबरी यहाँ पर डिफेंस पेंशन भोगियों के लिए कि उन्हें वन रैंक वन पेंशन के तहत एक बार फिर से 1 जुलाई 2019 से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। साथ में ही जो पिछले 3 साल का एरियर है उसका भुगतान भी उन्हें आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर कर दिया जाएगा। तो इसके संबंध में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।